मध्य प्रदेश की सत्ता गवा देने के बाद कांग्रेस आज यानी 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने विधायक खरीदे हैं। इसी के साथ ही राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान की पुस्तिका का वाचन किया। साथ ही चार चार लोगों का समूह बनाकर गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकाली और गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बता दें, आज से ठीक एक साल पहले 20 मार्च को पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वही 2018 में जीत कर आए कांग्रेस की सरकार 15 महीने में ही गिर गई थी, जिसका आरोप आज भी कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों पर लगाते हैं। बीजेपी पर विधायक खरीदने का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है। लोकतंत्र सम्मान दिवस को लेकर जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने बताया कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर कांग्रेस की सरकार गिराई थी, इसलिए आज हम लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रहे हैं। वही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि एक वर्ष पहले आज ही के दिन भाजपा नेताओं द्वारा संविधान का गला घोटकर कांग्रेस की बनी बनाई बहुमत की सरकार को गिराया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष आसिफ जक्की ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र सम्मान दिवस बनाने की बात कही है। आज के दिन पैसों से खरीद कर एक सरकार बनाई थी, उस सरकार का हम सब लोग विरोध करते हैं और लोकतंत्र की आज के दिन हत्या हुई है उसका भी विरोध करते हैं, और जो पैसों का लेन देन हुआ उसकी निंदा करते हैं। और हम लोग सब संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और लोकतंत्र दोनों की रक्षा करेंगे। हो गया।